हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को मॉडलिंग का सेकंड पार्ट बताने वाला हूं। मैं अभी इस पार्ट में आपको विंडो और बाकी जो पेंडिंग पड़े हैं उसका मॉडलिंग करके बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे हम लोगों ने इतना बनाया हम लोग ने, ठीक है, हमारा बेसिक जो मॉडल था वो रेडी हो गया। अभी इसे हमें यहाँ पर करना है विंडो। विंडो जहाँ जहाँ पाएगा मुझे विंडो बनाना पड़ेगा। देन सबसे पहले हम विंडो बना के ले लेते हैं। यहाँ पे ये हाइट ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइट इसको सेट किया। देन लेफ्ट में गए, यहाँ पे ग्रिड हाइड करना है जी प्रेस करके, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे विंडो के लिए, यहाँ पे कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एक मैं हाइट मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट हो गया है। देन राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन, देन इसको सिलेक्ट किया कॉर्नर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, अभी से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्वीप दूंगा, एस डब्ल्यू प्रेस करके तो स्वीप आ जाएगा। देन यहाँ पे इसे करना है बार, ठीक है, इनसाइड हो गया। अगर मुझे लगा कि और इसे करना है विंडो को यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ जो है इसे लेंथ अंदर बढ़ा चूंगा और डीप जाएगा। इसे मैं यहाँ पे 100 mm कर देता हूँ या तो 75, यहाँ पे भी 75, ठीक है। तो हमारा विंडो यहाँ पे ठीक लगेगा, ठीक है। अभी मुझे इसमें दो पार्ट करना है, दो पार्ट कैसे करना वो भी बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे से इसके कॉपी ले लेता हूँ, मैं कॉपी करना है। देन यहाँ पे सेगमेंट पकड़ा, सेलेक्ट किया, ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं यहाँ पे कॉपी किया सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे सब सिंगल सिंगल ही आने वाला है। ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसे पूरा सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे आना है, ठीक है, हमने यहाँ पे बना दिया। अभी हमारा विंडो हो चुका, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे डबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको सेगमेंट सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे मुझे सेंटर में लाना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे मेरा ये विंडो यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। ये विंडो को मैंने यहाँ पे फ्रेम बना दिया है। देन आपको टॉप में जाना है। देन अभी इसका सेंटर मुझे रखना, मैं क्या करूँगा स्प्लाइन में जाऊँगा। देन यहाँ पे करूँगा मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है आपको ये। उसके बाद अभी ये जैसे मैं यहाँ पे रहूँगा इसका मिड पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, ठीक है। अभी ये हमारा ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले सारे फ्रेम बना लूँगा, फ्रेम बनाने के बाद आपको बताऊँगा ग्लास कैसे बनाना है, क्योंकि छोटा ही है। अगर बिल्डिंग होता तो हम क्या ग्लास भी साथ में बनाते थे। देन जैसे अभी मेरा यहाँ पे भी फ्रेम बाकी है, जैसे क्या करता हूँ इसे मैं कॉपी करके सबसे पहले ऊपर ले लेता हूँ मैं, या क्योंकि ऊपर भी विंडो है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, लेफ्ट में आया। देन मैं यहाँ पे इसे इंस्टेंस पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सेम है इसलिए इंस्टेंस पे मैंने कॉपी किया इसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो हम इसे बाद में ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया है। देन अभी यहाँ के विंडो को एक कोई भी पार्ट में यहाँ पे कॉपी करके लेके जाऊँगा दूसरे साइड। देन वहाँ पे भी एडिट करके मुझे वैसे ही लगाना है जिसमें मैंने सेलेक्ट किया। स्टेयर केस का हम लास्ट में करेंगे, सबसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये हो गया है। ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सेलेक्ट किया, इसे मैं यहाँ पे लेके आया, देन कॉपी किया, देन इसको सेंटर में रखा, ठीक है, ये हो गया। अब इतना करके मैं आइसोलेट कंट्रोल सॉरी अल्ट क्यू करेंगे तो आइसोलेट होता है, ठीक है। लेफ्ट में गया, सिलेक्ट किया, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, कॉपी किया, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे गया, इसको मैं अभी रोटेट करूँगा, ठीक है, ये जॉइंट होगा। अभी यहाँ पे मुझे दो पार्ट करना होगा, देन क्योंकि यहाँ पे बड़ा विंडो आ गया ये, या ठीक है, ये हो गया। मैंने सेगमेंट सेलेक्ट किया,
यहाँ पे इसी में सेंटर किया, ठीक है, देन इसे मैंने नीचे लिया, ठीक है, और इसे मुझे सेंटर कर देना है, सेंटर हो गया है। अभी हमारा यहाँ का विंडो रेडी हो गया है, ठीक है, ये सिलेक्ट किया, ठीक है, ये विंडो हो गए। अभी इसे मैं सेम यहाँ पे ऊपर कॉपी कर लूँगा, इसे मैंने यहाँ पे इंस्टेंस पे कॉपी किया, ये हमारा फ्रेम रेडी हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक विंडो पेंडिंग है, इसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो मैंने टू वाले विंडो लिए इसको सिलेक्ट करना है, देन या सिलेक्ट, ठीक है, ये हो गया है। इसे मैंने यहाँ पे ले लिया, देन कॉपी, देन यहाँ पे इसे रोटेट कर दिया, देन यहाँ पे किया, ठीक है, देन इसे मैं यहाँ फिर से यहाँ पे इंस्टेंस में कॉपी कर लूँगा, ठीक है, फिर मैं इसे यहाँ पे आइसोलेट हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे विंडो हो गया है, ठीक है। अभी विंडो के बाद मुझे यहाँ पे इसका विंडो ग्लास बनाना है, तो क्या करूँगा, सारे विंडो सेलेक्ट सिमिलर, अभी सिलेक्ट सिमिलर में ऐसे, ठीक है। अभी मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, बताता हूँ, यहाँ पे जाना है आपको, जहाँ जहाँ पे कलर दिया है वो कलर आपको ओके किया सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा विंडो इतने पार्ट में है, इसको आइसोलेट किया। विंडो बनाने में सही तरीका क्या वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जैसे मेरा ये है, यहाँ पे मैंने अटैच जो किया था, इसे मैं यहाँ पे क्लोन करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी, स्वीप उड़ा दूंगा मैं, और इसे मैं यहाँ पे एक शूट दे दूंगा, और इसे मैं यहाँ पे करूँगा फाय, ठीक है, और इसे मैं कलर दे दूंगा ब्लू कलर, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसका मिड पॉइंट रखना है, इसे एक्स एक्सेस में मिड पॉइंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरा विंडो रेडी हो गया। तो ऐसे सारे का आपको ऐसे करना है, इसको राइट क्लिक करके क्लोन कर लो। अभी जैसे मैंने ये कर लिया, तो मैं इसे क्या करूँगा, इंस्टेंस पे है, इसे ऊपर कॉपी करके इंस्टेंस पे रख दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो नीचे के फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर उसके कर लो फटाफट, उसके बाद आपको ऊपर का करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको उड़ा देना है, देन यहाँ पे जाके इसको उड़ा देना है, इसे यहाँ पे देना है एक शूट, देन इसे हमें सेंटर में रखना है इसके मिड पॉइंट, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। और इसका वायर कलर जो है हमें ब्लू करना है, देन इसे आपको ऊपर रखना है इंस्टेंस पे, मैंने कर दिया, देन राइट क्लिक किया, क्लोन किया पी, देन यहाँ पे इसे किया स्वीप उड़ा देना है मुझे, देन यहाँ पे करना है एक शूट, ठीक है। और इसका वायर कलर मैं यहाँ पे करूँगा ब्लू, एंड इसे मिड पॉइंट सेंटर, ठीक है। अभी देन ऐसे जो ग्राउंड फ्लोर का उसके मैं कर लूँगा, सेम ऊपर कॉपी करके रख दूँगा, राइट क्लिक किया, क्लोन किया, क्लोन, ये मैं एक्चुअली बिगनर लुक के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे स्वीप डिलीट कर देना है, छूट दे देना है, वायर कलर मुझे यहाँ पे करना है ब्लू, ठीक है। फिर टॉप में जाके उसको आपको इसका मिड पॉइंट रखना है सेंटर विंडो के फ्रेम का, ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे आ गया, क्लोन किया, स्वीप डिलीट करना है, देन एक शूट यहाँ पे देना है आपको ब्लू, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे भी क्लोन किया, स्वीप डिलीट करना है, एक शूट देना है, और यहाँ पे देना है इसको ब्लू, ठीक है, ये हो गया। फिर मुझे इसका सेंटर लेके आना है यहाँ पे, ठीक है, और इसका भी सेंटर। अभी यहाँ पे क्या है, इसमें ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा ये लाइन आगे आ रहा है, तो मुझे इसके
यहाँ पे करना है वर्टेक्स पे, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ का, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इन फ्रंट में जाना है और इसे इंस्टेंस में ऊपर कॉपी करना है फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है। ये अभी हमारे यहाँ पे जितना भी है ग्लास के, सारे विंडो के ग्लास हम उन्होंने बना लिए हैं, ठीक है, इतना है। अब इसके बाद मेरा यहाँ पे फ्रंट में आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एलिवेशन देखेंगे, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे विंडो है, तो विंडो में भी यहाँ पे कैसे है, मुझे टू विंडो के यहाँ पे 3 मिनट डिवीजन मुझे करना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आप ये जस्ट प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, इतना कुछ है ही नहीं। देन इसे मैं यहाँ पे रोटेट किया, देन यहाँ पे सेंटर, ठीक है, इतना हो गया। देन अभी यहाँ फ्रेम को मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, देन इसको यहाँ पे कॉपी करना है और इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसे, ठीक है, हमारा विंडो बन गया है। देन हमें ग्लास को कॉपी करना है, यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ के यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इतना ही हमारा ये हो गया है। ठीक है, और इसे मैं कॉपी करके ऊपर रख दूंगा, देन इसे ऊपर किया इंस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ का भी हमारा विंडो रेडी हो गया है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। अभी यहाँ वो जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया अभी हमें देखना पड़ेगा एक, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाइट दिया हुआ है, ये डोर आ गया, यहाँ पे विंडो हो गया, ठीक है। इससे भी कैसे बनाऊंगा अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना होगा, देन रेड कलर ले लेता हूँ मैं, कॉपी किया यहाँ पे रेक्टेंगल, देन इसे लिया, देन इसे लिया, ठीक है, एंड देन इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके लाइन, देन इसे आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले को हमें देखो, मैंने यहाँ पे बना दिया है, देन मेरा यहाँ पे विंडो आ जाएगा, यहाँ पे डोर आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम वैसे विंडो और डोर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ रेलिंग आने वाला नहीं है, तो आप रेलिंग भी डाल सकते हो या तो ऊपर वाले फ्लोर को आप बंद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इतना ही हो गया है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे विंडो बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसी विंडो बनाऊंगा, विंडो के लिए क्या करूँगा, जो पहले के मैंने विंडो बनाया है उसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी किया, देन यहाँ पे रखना है कॉपी पे, नहीं यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, और सिलेक्ट किया। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट चारों साइड का अगर एलिवेशन देता है तो आपको फिर चारों साइड वो रख के फ्रंट लेफ्ट टॉप जो भी है एलिवेशन दिया है उसे रख के आपको करना पड़ता है, उसमें और इजी गिरता है हमें। अब इसमें से क्लाइंट ने सिर्फ प्लान दिया और बस फ्लोर हाइट दिया है, कितने फ्लोर पर क्या करना है, बाकी और कुछ दिया नहीं है, ठीक है, इतना ही हो गया है। इसे मैं क्लोन किया, कॉपी सबमिट मारा, एक्सट्रूड यहाँ पे दूंगा 5, इसे सिलेक्ट करना है, देन इंस्टेंस पे से मैंने कॉपी किया, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइट ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसे, ठीक
ठीक है, क्योंकि ऊपर का फ्लोर हाइट जो कम है, देन इसे मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं वॉइस ओवर नहीं डालता था इसे, फिर फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कैसे करते हैं, वैसे करके मैं फटाफट बता देता था। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पे आया स्टेयरकेस का ब्लॉक। अब स्टेयरकेस का ब्लॉक कैसे करना वो भी बताता हूँ मैं आपको। देन यहाँ पे अभी इसका कैसे होगा, मिड लाइनिंग जो है उस सबसे पहले मैं यहाँ का फ्रंट का कर लेता हूँ। मैं इसे एक शूट इंसुलेट किया, देन करना है रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 3 4। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये फिफ्थ पार्ट, सेलेक्ट किया और देन इसे देता है एक शूट 150। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है तो अभी इसे मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे स्टेपिंग हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे विंडो है। ठीक है, अब यहाँ पे विंडो के लिए मुझे यहाँ पे भी सबसे पहले एक वॉल रखना होगा। कॉपी किया, देन यहाँ पे अब इस विंडो को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ऐसे आपको भी सेम यही प्रोसीजर है करने के लिए, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। कॉपी लाया, सेंटर रखा। ठीक है, यहाँ पे दो ही स्लाइडिंग आएगा, यहाँ पे फिर मैं फ्रंट में जाके इसे दो कर दूँगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, देन आपको फ्रंट में आना है। उसके बाद यहाँ पे इसे डिलीट किया, ठीक है, ये हमारा का यहाँ का विंडो हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, अंदर आने के बाद यहाँ पे डोर है, तो डोर के पहले यहाँ पे भी ग्लास दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन इसे नीचे लिया। ठीक है, इतना ही हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे सेंटर में मुझे यहाँ पे फुल हाइट का एक डोर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे डोर डालना है, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे क्लोन। ठीक है, क्लोन किया, यहाँ पे इसे डिलीट किया, एक शूट दिया, इसे फाय, और इसका वायर कलर जो है मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू कर दिया, इसको यहाँ पे मैं सेंटर में लेके जाता हूँ। ठीक है, सेंटर में लेके गया, और यहाँ पे जो टॉप में वहाँ पे एक ही विंडो रखूँगा मैं, जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी किया, टॉप में ले गया इसे, ठीक
देन यहाँ पे जो हमने बनाया है, या तो ये सेम हाइट जो है, सेम हाइट का यहाँ पे आ जाएगा टॉप का, कॉपी किया, ठीक है। देन ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। देन इसे ही सेम हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ का भी विंडो हमारा हो जाए। इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसे कॉपी होने के बाद इसे मैंने यहाँ पे रखा, देन यहाँ पे किया, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे सिर्फ डोर डालूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी बेसिक मॉडल था, मॉडल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो दिया है सिर्फ पैरापेट वॉल बनाना है। पैरापेट वॉल के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी इसका पेरीफेरी वॉल है, जैसे भी यहाँ पे बाउंड्री लाइन यहाँ पे आता है, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ पे देखना है, अच्छा इतना ऑफसेट है, ठीक है, यहाँ से भी ऑफसेट है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा टॉप के टेरेस को, ठीक है। इसे मैंने कॉपी किया, देन सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाया, ठीक है, कॉर्नर किया, डिलीट किया, ठीक है। इसे यहाँ पे किया, देन इसे यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, पैरापेट वॉल जो बना थे वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इसे, ठीक है। ये हो गया है, देन यहाँ पे तो नहीं आने वाला है क्योंकि स्टेयर केस का ब्लॉक है, तो स्टेयर केस का ब्लॉक ऊपर तक जाएगा। ये हो गया, देन सिलेक्ट किया, देन इसे 150 एक्सट्रूड, ठीक है, ऑफलाइन दिया, एक्सट्रूड 3 फीट, ठीक है। देन इसे मैं ऊपर रखा, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया। अभी ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये स्टेयर केस का ब्लॉक है, और इसे कैसे करना वो बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे कैसा ये हाइट ज़्यादा हो रहा है ये बताता हूँ, जो फ्रंट का है उसकी हाइट है ये, तो जैसे ये हाइट है, इसे मुझे यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर तक लेना होगा। अभी हमारा गया स्टेयर केस का, ठीक है। अभी स्टेयर केस का आपको बताता हूँ क्या करना है। ये वॉल और देन ये वॉल यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी किया, ठीक है। भी हाइट यहाँ देखिए मैच हो गया है, तो ये यह हमारा यहाँ पे स्टेयर केस का जो ब्लॉक है वो आएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे जैसे फील किया है, इसे टॉप में भी सेम फील होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेड सिलेक्ट करना है। रेड सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से मैं यहाँ पे करना है 2 फिट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर जो स्टेयर केस का ब्लॉक होता है वो ड्रॉ कर दिया है। अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टेयर केस कैसे डालना है उसके बारे में आपको बताऊँगा। वैसे भी आप यहाँ पे ग्लास डालेंगे तो भी चल जाएगा। एंड मैं यहाँ पे बीम लेता हूँ, देन इसे मैं एक्सट्रूड दिया, यहाँ पे दिया
अभिम यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे भीम नहीं आएगा, हमें यहाँ पे आता है मिड लैंडिंग पे। मिड लैंडिंग कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेपिंग बना के लाना होगा यहाँ तक। स्टेप कैसे बनाना, इसी मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे कैसे इन यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पे आउट हुआ है, ठीक है। तो सेलेक्ट किया यहाँ पे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाते रहूँगा मॉडलिंग के, और एक्चुअली मैं ये बिगनर्स लुक के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना ही हो गया, बाद में इसको हम यहाँ पे मिरर कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे एक्सट्रूड दे देता हूँ। एक्सट्रूड जो होता है 150 mm होता है, ठीक है। फ्रंट में गए, देन इसको यहाँ पे डिटेच डिसलेक्ट किया, ठीक है। ठीक है, अभी इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ग्रुप कर दूंगा, देन उसे मैं यहाँ पे फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करने से क्या होगा, ये ऊपर से जाएगा, ठीक है। अभी ये होने के बाद हमें यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना वो भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या रहेगा कि इसका जो हाइट है, हाइट अलग रहेगा, तो मैं इसे यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप किया, देन यहाँ पे दूंगा FFD। FFD देने के बाद इसे मैं यहाँ पे ऊपर ले लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसे मैच हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को मिड पॉइंट ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, अभी इसका मिड पॉइंट जो आएगा, अभी मिड पॉइंट ये रहेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये, देन इसे सिलेक्ट करना है फिर से, देन यहाँ पे ऊपर जाएगा, और ये ऊपर का जो रहेगा इसे हम टेरिस पे जाने वाले, तो टेरिस के लिए ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, देन यहाँ पे भी आएगा सेम इसे, ठीक है। इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, इतने आएगा। अभी मैं इसे आपको बताता हूँ कि फिट कैसे करना है यहाँ पे नस, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं इसे भी यहाँ पे विंडो डाल के बताता हूँ कैसे डालना है। इसको सिलेक्ट किया, देन इसे मैंने नीचे लिया, कॉपी किया, ये हो गया यहाँ पे। इसे मैंने ऊपर लिया, देन यहाँ पे गया, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे जाना है,
ठीक है, अभी इस ग्लास को कॉपी करके मैं नीचे ले लेता हूँ। देन इसे अभी मैं यहाँ पे सेंटर में रखूँगा। अभी यहाँ पे सिर्फ टॉप में रह गया, ठीक है। अभी इसको लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो ये विंडो है छोटा वाला, इसे कॉपी किया, देन इसे मैं ऊपर ले गया। और इसे मैं यहाँ पे ऊपर तक इसे लेके जाऊंगा। ठीक है, इसे ऊपर तक ले गया, यहाँ पे है, कॉपी किया। आप देखेंगे जो बेसिक मॉडल होता है मॉडलिंग करने का जो तरीका है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हो। आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा, इतना कुछ है ही नहीं इसमें। आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक जो मॉडल बनाते हैं बंगलों के, और मैं ऐसे ही बनाते सब। अभी इसमें जैसे क्लाइंट ने एलिवेशन नहीं दिया था, तो अभी इसके बाद टेक्सचरिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि टेक्सचर कैसे बनाना होता है। एंड इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको टेक्सचरिंग बताऊंगा कि टेक्सचरिंग कैसे करना होता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया रहेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज।